ओम नमः शिवाय दोस्त, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। शिव की भक्ति में डूबे, और जो एक बार शंकर भगवान की विरल भक्ति में डूब जाता है, शंकर की आराधना में डूब जाता है, शिव स्मरण में डूब जाता है, शंकर की आराधना में तुम डूबे हो। मार्कंडेय ऋषि शिव की आराधना में डूबे थे, फंदा आया, यमराज ने फंदा फेंका, पर वो मार्कंडेय पर नहीं गया। वो फंदा गया तो देवाधिदेव महादेव पर गया। अगर दुनिया के लोग तुम पर कुछ फेंकेंगे भी ना, अगर तुम शंकर की आराधना में लगे हो, तो वो तुम पर नहीं आएगा, महादेव पर चला जाएगा, शिव पर चला जाएगा। फंदा गया, शिव जी पर गया। खड़े हो गए मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे देवाधिदेव महादेव सामने खड़े थे। यमराज ने कहा, आप विधान नहीं जानते? शिव जी ने पूछा, कौन सा विधान? आपको नहीं मालूम? ये बच्चा 12 वर्ष की आयु में मरेगा, इसका विधान टल नहीं सकता, इसको 12 साल की आयु में मरना पड़ेगा, इसलिए इसका आज का आखिरी दिन था, इसलिए मैं इसको उठाने के लिए आया हूँ, इसको मारने के लिए आया हूँ। शंकर भगवान तुरंत जैसे ही सुने, सुनते से ही भोलेनाथ जी ने कह दिया, विधि लिखने वाले तुम हो, विधि का निर्णय करने वाले तुम हो, पर विधि को पलटने वाला केवल दुनिया में एक है, वो देव अधिदेव महादेव है। बदल दिया, विधि का विधान बदल दिया। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर, इन दोनों का आपस में तालमेल क्यों नहीं मिलता था? कारण क्या था? ब्रह्मा जी विधान लिखते थे, ब्रह्मा जी ने लिख दिया, कमला बाई को पांव में ठोकर लगेगी। ये किसने लिखा? जम के बोलो। अब जितनी कमला बैठी हो, तुम टेंशन में मत आना हो, ये तो तुम चिंता कर लो, ये तो एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक बात बता रहे। कमला बाई को पांव में ठोकर लगेगी। अब कमला बाई को दोपहर में 9 बजे ठोकर लगना है, और कमला बाई पहुंच गई सवेरे 8:45 शंकर जी के मंदिर। अब शिव जी के मंदिर में चली, जल चढ़ाया, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल कलश में लेकर आ रही थी, ठोकर लगना थी, पर साथ में क्या है उसके? शंकर जी का चढ़ा जल नहीं है, शंकर जी पर छूने के बाद जब चपटी भभूत भी कुबेर का आप लोग भजन में गाते हैं ना, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जब शमशान की राख शिव जी को छूने के बाद करोड़ों की दौलत बन जाती है, तो शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, वो शंकर का स्वरूप होता है, जिसको हम लेकर अपने घर आते। शिव का एक स्वरूप है वो। आप शंकर जी साथ चल रहे हैं, ठोकर लगेगी। ब्रह्मा जी, एक बार जब ब्रह्मा जी ने लेखनी लिख दी कि 12 साल में ये मार्कंडेय मरेगा, और मार्कंडेय जी की उम्र बढ़ गई, उम्र बढ़ी तो ब्रह्मा जी टेंशन में पड़ गई, ये किसने बढ़ा दी? क्या शंकर जी? तो क्या उनको नहीं मालूम था कि हमने लिखा है? तो कि लिखने से क्या होता है, समय आएगा, हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी ने एक पत्र लिखा भगवान विष्णु भगवान के पास में, नारायण जी के पास में, और ब्रह्मा जी ने कहा, हमको नौकरी नहीं करना, हमको इस्तीफा चाहिए। अब भगवान विष्णु ने पूछा, तुम इस्तीफा क्यों देना चाहते हो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पद से? ब्रह्मा जी बोले, जब हमारी चलती नहीं है तो हमें लेखनी लिखने से मतलब क्या, चलती तो शंकर जी की है, हम लिखते हैं इनको दुख मिलेगा, और ये एक लोटा जल चढ़ाते हैं और वापस इनके पास सूखा जाता है, तो हमारा तो लिखा लिखा या फालतू जाता, तो हमको नौकरी नहीं करना। भगवान बोले, ब्रह्मा जी फालतू की बात मत करो, नौकरी करो। अब शंकर जी की तो आदत है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को नहीं, किसी को नहीं। अगर दुखी देखना होता तो जो हम विष निकला था वो देवताओं को जाना था। शंकर जी ने विष क्यों पिया? क्योंकि वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते।
इसलिए आप चिंता मत करो, नौकरी करो। तो हम लिखते हैं कि दुख मिलेगा तो शंकर जी सुख कर देते हैं, ब्रह्मा जी अगर तुम्हें करना है तो एक काम करो, शंकर जी की जब कोई आराधना करने बैठे, शंकर जी का जब कोई कथा सुनने बैठे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने बैठे, शंकर जी का भजन करने बैठे, शिव की स्तुति करने बैठे, ब्रह्मा जी तब तुम एक काम करो, अगर किसी का भाग्य तुमने लिख दिया है और उसका भाग्य वैसा की वैसा ही चाहते हो, तो कोई शिव कथा सुने, शंकर मंदिर जाए, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाए, तो उसके घर में थोड़ा सा विघ्न डाल दो, जिससे वो मंदिर तक ना पहुंचे, जिससे वो कथा ना सुन पाए, जिससे वो भगवान का भजन ना कर पाए। अगर वो कथा नहीं सुन पाएगा, मंदिर नहीं जा पाएगा, भजन नहीं कर पाएगा, स्मरण नहीं कर पाएगा, शिव की स्तुति नहीं कर पाएगा, तो तुमने जो लिखा वो पक्का हो जाएगा। अगर वो मंदिर चले गया तो तुमने जो लिखा वो समाप्त हो जाएगा। अभी आपसे कथा में क्या कहा था, पानी के पाउच देने वाले आएंगे, बॉटल देने वाले आएंगे, अपने घर से दो पानी की बॉटल लेकर चलो। दो बॉटल क्यों, एक अपने लिए, एक अपने पास में जो पड़ोसन बैठी है अगर प्यासी है। हमने जिंदगी में कोई दान नहीं करा, अपनी बॉटल का पानी ही पिला देंगे तो पुण्य करते चलेंगे। दो लेकर चलो, घर से आओ तुम्हें जो अच्छा लगे अपने बैग में डालकर, बिस्कुट टॉफी जो लेकर आओ। कोई भूखा है प्यासा है, सुबह से अगर किसी ने भोजन नहीं करा, अपने घर से दो पराठे ज्यादा लेकर आओ, पड़ोसन को देकर जाओ अचार के साथ। आप बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, अपने घर से दो रोटी निकाल कर किसी को खिला सकते, उससे बढ़कर सुख नहीं मिलेगा। पूछ कर, क्यों भोजन करा तुमने, नहीं करा, लियो मैं बना कर लाई हूं, कर कर जाओ, लियो मेरे पास में चार पराठे हैं, दो तुम खाओ, दो तुम खाओ। ये इससे बड़ा दुनिया में कोई भंडारा नहीं होगा, इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं होगा, इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं होगा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ की यात्रा में बड़े बड़े लंगर चलते हैं, इतने बड़े बड़े लंगर चलते हैं, कभी तुमने अगर व्हाट्सएप पर देखे हो, फेसबुक यूट्यूब पर देखे हो, तो गुलाब जामुन गाजर का हलवा बोल दे, किस किसने देखे हैं जरा बोलो जम के देखें। बड़े बड़े लंगर लगते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे। कभी उन भंडारा चलाने वालों से पूछना कि इतनी ऊपर आकर बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास में उनके दरवाजे पर जाने वाले को, खिलाने वाले को, पानी पिलाने वाले को, आखिर तुम ये दुनिया के लोगों को खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, इससे तुम्हें मिलता क्या है। कभी वो भंडारा चलाने वालों से पूछना कि शंकर के दरवाजे आने वाले को, जाने वाले को मुंह झूठा कराने से क्या मिलता है, तो वो भंडारा चलाने वाला कह देगा, एक बार तू भी दो रोटी शंकर के द्वार आने वाले को खिला कर देखना, वो करोड़ों में देकर जाता है, खाली नहीं छोड़ता। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्या देता है वो, भूखे को अगर किसी का मुंह झूठा करा दिया, पानी तक पिला दिया, तो उसने क्या दिया। ये 5 दिन की कथा तो हम लोग करके चले जाएंगे, ये कथा पूरी हो जाएगी, हम लोग बिहार चले जाएंगे, बिहार में कथा, वहां कथा पूरी होगी, फिर वापिस राजस्थान चालू हो जाए, कथा निरंतर चल रही। पर आपने जो 5 दिन की कथा सुनी है, आप अपना दरवाजा छोड़कर, घर छोड़कर, तपती हुई गर्मी में, धूप में निकल कर आए हो, पहुंचे हो, कोई अपने साथ छाया करने का चादर ले आया, चार लोगों को उसने छाया कर कर बिठा भी लिया, बैठ भी गया, उसने तुम लोगों को आनंद के साथ बैठ कर कथा भी सुन ली, किसी का मुंह भी झूठा करा लिया, सत्संग भी कर लिया, बड़े भाव से सुन भी लिया, 5 दिन की कथा हम कहकर चले गए। पर 3 महीने के अंदर बाबा क्या क्या दे दे उसका कोई भरोसा नहीं, शिव की भक्ति में डूबे। और जो एक बार शंकर भगवान की विरल भक्ति में डूब जाता है, शंकर की आराधना में डूब जाता है, शिव स्मरण में डूब जाता है, शंकर की आराधना में तुम डूबे हो। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।
इस उपाय को करना न भूले। आज वस्त्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें।